Assalamualaikum to all of you. Hope you are doing okay. So I know you are not okay because of red market, but don't worry about it. We will discuss the chart about the market condition and 4-year cycle and many more. तो देख लेते हैं बिटकॉइन की साइकिल, 4-4 ईयर साइकिल के बारे में, और जो है बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ऑल्ट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मतलब जो हमारे सारे अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं वो किस तरफ जा सकते हैं और पूरी मार्केट किस तरफ आ सकती है 2023 में, 2022 में, और जो है अभी इस महीने में, और अपनी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में सब हम देखते हैं चार्ट पर. तो चले चलते हैं इस वीडियो में, मैं आपको कुछ नहीं डरा रहा, चलें देखें और खुद समझें. अगर कोई आपसे ये पूछे कि मार्केट इस साल कहाँ जाएगी, तो आप ये वीडियो देखने के बाद बताने के काबिल हो जाएंगे कि मार्केट इस साल यहाँ तक जा सकती है. तो चलें चलते हैं. तो हम आ गए हैं चार्ट पर, अब देख लेते हैं मार्केट का किस तरफ जाने वाली है मार्केट, और अभी हम जो है कहाँ मूव कर रहे हैं, और बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है. और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो आप उसको ईजिली बता सकते हैं. सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, जब इधर से बिटकॉइन 3 बार जो है रिजेक्ट हुआ, और 4th बार जब इसने इधर से ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के रीटेस्ट करने के बाद ये मेजर रेसिस्टेंस पर आया अपनी, और इसको जो है ये ब्रेक नहीं कर सका. अगर इसको ब्रेक कर देता तो हम दोबारा 70,000 तक जा सकते थे. और दोबारा अगर हम देखें तो दोबारा इसने रीटेस्ट की वही मेजर रेसिस्टेंस, देन दोबारा जो है इसने ब्रेक नहीं कर सका ये, और इधर इसने यहाँ से जो है ब्रेक डाउन किया, और ये आते 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 दोबारा इसने रेसिस्टेंस तोड़ने की वाली कोशिश की, और ये अगर ये टूट जाता तो एक अच्छा बाउंस हम देख सकते थे, लेकिन बिटकॉइन इसमें फेल हो गया. देन हम देख सकते हैं ये 40K वाला जो है सपोर्ट एरिया है बिटकॉइन का, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और ये बहुत आसानी से नहीं टूटेगा. 42 से बिटकॉइन बाउंस हुआ, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई, क्योंकि कजाकिस्तान वाला जो है इशू वो आ गया था, तो इस वजह से बिटकॉइन नहीं कर पाया. अब देख लेते हैं, जनवरी है, नया साल है, तो बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव इस साल में क्या हो सकता है. सबसे पहले हमने ये शॉर्ट एनालिसिस बिटकॉइन का देख लिया, और इस एनालिसिस के मुताबिक बिटकॉइन जो है वो दोबारा, इसके चांसेस हैं कि 44 तक ये जा सकता है यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो है इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट जो है बाउंस बैक हुआ है, तो इस दोबारा जो है मैं अगर देखूँ तो यहाँ से भी इसके बाउंस बैक के चांसेस हैं. तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट मूव बिटकॉइन का अब जो है क्या हो सकता है. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये बिटकॉइन की हिस्ट्री की 2013 की जो है बुल मार्केट थी, जो 2013 में आई, फिर 2014 आया जो कि बेयरिश मार्केट आई बिटकॉइन की. देखें ये 4-8 साइकिल 2013 से चलती हुई आ रही है, और इस साइकिल से रिलेटेड जो है 2022 में अगर मैं बात करूं, तो 2022 में आप बेयरिश मार्केट, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, 2013 में बुल मार्केट आई, 2014 में जो है बेयरिश मार्केट आई, 1165 से बिटकॉइन 165 पर आ गया, 85% डंप. देन 2015-2016 अक्यूमुलेशन पीरियड रहा हमारा 2 साल. देखें एक साल जो है हमारा बुलिश पीरियड होता है, दूसरा साल बेयरिश होता है, तीसरा साल जो है अक्यूमुलेशन, 2 साल अक्यूमुलेशन पीरियड होता है. 2017 की बुल मार्केट ऐसी बुल मार्केट थी जो कोई भी नहीं भूल सकता, जो अगर आप है मार्केट में थे तो आपको पता होगा ये वाली बुल मार्केट कैसी थी. तो उस मार्केट के बाद बिटकॉइन जो है 20,000 से दोबारा 3,300 पर आ गया, 83% डंप आया. देन 2019-2020 अक्यूमुलेशन पीरियड रहा, देन 2021 भी बहुत एक अच्छी बुल मार्केट रही. अब बिटकॉइन की बुल मार्केट 2021 में गुजर गई, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं क्लियर के लिए. देखें ये 2013 था, ये मार्केट जो है ऊपर गई, ये मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है रात के 6 बजे. तो देखें बुल मार्केट इधर तक गई, अब ये जो है 2014 वाला साल था ये इस तरह बेयरिश रहा, फिर 2015-2016 बिटकॉइन अक्यूमुलेट करता रहा, फिर जो है 2017 जो है दोबारा बुल मार्केट, 2018 बेयरिश मार्केट, 2019-2020 जो है आपका जो आ गया ये ऑक्यूमुलेशन जोन, अब ये 2021 है, ये 2021 बुल मार्केट इधर तक चली गई है. नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट हो सकता है, बेयर मार्केट जो 2022 हमारा आ रहा है, ये पूरा बेयरिश मार्केट हो सकती है, और ये जो है 23 और 24 जो है ऑक्यूमुलेशन जोन रहेगा, और 25 में जाके दोबारा बुल मार्केट आएगी. अच्छा देखें इसमें एक चीज कॉमन है, यहां से जो है ना थोड़ी थोड़ी मार्केट ऊपर जा रही है, यहां से यहां फिर यहां से यहां. मैं आपको चार्ट में भी प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहां पर बात कर रहा हूं, चार्ट में भी देखेंगे हम इसको ना. तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें तो आपको सब कुछ समझ में आता बोलो भाई रहेगा. चलिए ये भी आपने देख ली, ये भी देख ली, ये भी दोबारा देख ले, आप इसको सेव भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका. सही है, ये देखने के बाद आप ये देख लें कि किस तरह मार्केट ने मूव किया सालों तक. अब इसको देखते हैं कि बिटकॉइन का चार्ट पर क्या मूव हो सकता है. चले आ जाते हैं बिटकॉइन के 2014 पर, 2014 ये हमारा चल रहा है. देखिए 2014 की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन की ये बुलिश साइकिल यहां तक स्टार्ट जो है यहां से 2014 से 2015 तक गई. ये देखें 2015 के मतलब कि ये 1186 तक गई, ये अप्रोक्सीमेटली एक आध नंबर अगर आके पीछे हो तो उसका माइंड नहीं करिएगा. फिर जो है 2014 से हम देखें तो 2015 तक बिटकॉइन दोबारा से 2015 में
जो है आप देख सकते हैं 15 में यहाँ तक गिर गया, वापस अपनी जगह पर आ गया। सही है, जगह पर जब बिटकॉइन आ गया अपनी, अब देखें ये हमारा ये आ गया ऑक्यूमुलेशन जोन 2 साल का, 2015 से 2017 तक ये आ गया हमारा ऑक्यूमुलेशन जोन, ये आप देख सकते हैं। सही है, ये आप देख लें, ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन मैं फिर भी आपको क्लियर कर दूं कि ये आ गया हमारा 2 साल ऑक्यूमुलेशन जोन। अगर मैं चौड़ा करूँ, ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है, तो ये हमारा था ऑक्यूमुलेशन जोन, वो थी बुल मार्केट, ये थी बेयर मार्केट, और ये हमारा सॉरी ये इधर तक हो जाएगी जो है ना आपकी, और ये इधर जो है 2014 में बुल रहा, 2015 में जो है बेयरिश, देन ये आगे 2015 से 2016 जो है ऑक्यूमुलेट किया, 2016 से 2017 ऑक्यूमुलेट किया। अब आ गई मेरा भाई 2017 की बुल मार्केट, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई, मेरी ट्रेंड लाइन नहीं जा रही, पार्ट्स में करनी पड़ेगी। ये मेरा भाई और ऊपर गया, ये और ऊपर गया, और ये जाता रहा, और ये जाता ही रहा, और ये जाता ही रहा, और ये ऊपर जाता रहा। 2017 की मैंने आपको क्या कहा था, बुल मार्केट बहुत एक अच्छी बुल मार्केट थी और बहुत ऊपर गई थी वो मार्केट। तो ये देखें, अब मैं चार्ट को ज़रा छोटा कर लूँ क्योंकि वहाँ की चीज़ें हमने समझ ली। ये 2017 की आपकी बुल मार्केट थी जो कि बहुत ऊपर गई, देन 2000 आ गया आपका 18, देख सकते हैं मेरे भाई, देख सकते हैं ये सेम आपका 2018, ये रहा, ये चल रहा आपका 2018। यहाँ पर आपने 2018 के एंड में अपनी जो है बेयरिश मार्केट ख़त्म की। अब देख लेते हैं इसका जो है ऑक्यूमुलेशन जोन 2019 से 2020, ये देखें यहाँ से इसका ऑक्यूमुलेशन जोन स्टार्ट हुआ और 2020 तक इसका ऑक्यूमुलेशन जोन बोलो भाई चला। ठीक है भैया, ये देखें 2020 तक इसका ऑक्यूमुलेशन जोन चला, और अब आप देख सकते हैं 2020 से इसकी बुल मार्केट जो है 21 से दोबारा स्टार्ट हुई। यहाँ से अगर मैं देखूँ, लगाऊँ उसकी ट्रेंड लाइन, 2021 की बुल मार्केट भी आपके सामने, 2021 में तो आप होंगे मेरे ख्याल में मार्केट में जितने भी व्यूअर्स हैं, तो 2021 की मार्केट को मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, 2021 की मार्केट है ये आपकी, और अब आपका स्टार्ट हो गया है 2022। देखे ना, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है हर बार में, ये पहले यहाँ था फिर जो है थोड़ा सा ऊपर गया, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये देखें हर बार थोड़ा 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 ऊपर जा रहा है ना इस तरह से, ये देखें ऊपर जा रहा है। अब बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, यहाँ से ये आ गया 20,000 में, तकरीबन 20,000, तकरीबन तकरीबन 30,000 बिटकॉइन आ रहा है मेरे मुताबिक अभी बिटकॉइन की साइकिल में, और अभी ही आएगा, ये आएगा तकरीबन तकरीबन दिसंबर तक इसी एरिया में अक्यूमुलेट करेगा, ये पूरा साल बेयरिश हो सकता है। लेकिन एक बात अगर हम देखें तो पिछली बार में और इस बार में लेवरेज ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, पहले लेवरेज ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ये बाइनेंस एक्सचेंज भी नहीं थी, बिटफिनिक्स वगैरह थी एक्सचेंजेस, तो अब जो है लेवरेज ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो बिटकॉइन जो है अपना मोड चेंज भी कर सकता है। लेकिन और इसमें जो है आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे आए हैं, और जो है बिटकॉइन दूसरी तरह भी हम देख सकते हैं इसको कि हो सकता है साइकिल चेंज होता है, लेकिन ये साइकिल मेरे भाई ये देख लें आप एक बार कि साइकिल चल कब चलेगी, 2013 से ये साइकिल चल रही है और अभी तक चल रही है। दूसरी बात मैं आपको ये सिर्फ बिटकॉइन पे नहीं है मेरे भाई, किसी भी कॉइन पे देख सकते हैं आप, मैं आपको इथीरियम पे दिखा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं है मेरे भाई, मसला ही कोई नहीं है, इथीरियम डॉलर पे दिखा देता हूँ मैं आपको, सब्र करें आप, सब्र करें सब्र करें सब्र करें, ये वीकली चार्ट मेरा खुला हुआ है, जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका टाइम बोलो भाई ज़ाया नहीं हो। सही है भाई, इथीरियम आया 2017 में, यहाँ से देखें इथीरियम को, यहाँ से इथीरियम पंप होने लगा, फर्स्ट बुलिश एयर, देन नेक्स्ट टाइम अगर इधर से देखें तो बेयरिश एयर। सही है, देन इधर से अगर हम देखें 2017 से 2018 बुलिश, देखें ये 2018 लिखा हुआ ना, ये रहा 2018 तक बुलिश, 2018 से 2019 ये रहा लिखा हुआ बेयरिश। अब देखें यहाँ से जो है इसका ऑक्यूमुलेशन पीरियड स्टार्ट 2019 से 2020, ये देख सकते हैं आप। सही है मेरा भाई, 2021 तक ये ऑक्यूमुलेट हुआ, ये 2021 आपका जो है इधर से शुरू हुआ, देन इथीरियम को आप देख सकते हैं कि ये कहाँ तक गया, ये देखें यहाँ से जो है इथीरियम ने बाउंस होना शुरू किया और ये कहाँ तक गया मैं बता नहीं सकता आपको, यहां तक गया, कहां तक गया मैं बता सकता हूँ ना यार, दिखा रहा हूँ बल्कि मैं तो आपको करके, देख रहे हैं आप यही सेम प्रोसेस है। अब क्या होगा इथीरियम के साथ, इथीरियम आएगा यहां तक 1500-2000 तक, ये भी आएगा इथीरियम, ये देखें भाई की प्रेडिक्शन है ये, देख सकते हैं आप, और ये आप प्रेडिक्ट कर लें कि मार्केट इस मूव पर भी आ सकती है, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाए, तो ये मूव भी मार्केट का हो सकता है, क्योंकि इथीरियम को भी आप देख लेंगे यही साइकिल इथीरियम की भी चल रही है और हर कॉइन की इसी तरह से चलता रहेगा, तो आप खुद भी इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, तो इस हिसाब से मार्केट चल रही है। अब आपकी मर्जी है क्या करना है, बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है,
और जो है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और SLB जो है, SLB का अब तक, SLB का चलें बाद में किसी वीडियो में देख लेंगे, SLB काफ़ी नीचे आया हुआ है आज तक के लिए, इतना ही। वीडियो भी लंबी हो गई, वीडियो को एंड तक देखा आपने तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका। और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें भाई का, शुक्रिया अदा करूँगा इस पर भी आपका। चलें, अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।